दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको दस्त लग गए हैं, लूज मोशंस हो गए, तो उसके लिए कौन सा एलोपैथिक ट्रीटमेंट देंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, अगर नहीं लगता तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जानकारी पर्पज़ के लिए है, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। शुरू करते हैं दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि दस्त जब होते हैं आदमी को तो नॉर्फ्लॉक्सिट्रिजाइड या कोई भी ऐसा कोई ड्रग उठा लेता है आदमी, ठीक है ना, जिसमें आपको लोप्रामाइड हो गया खिला देते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेट होती हैं, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों को नहीं दिया जाता और प्रेगनेंसी में दस्त होना एक आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ, गैस होना, चक्कर आना, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वो देख लेना। यहाँ पर क्या है कि महिलाएँ होती हैं उनको अलग अलग चीज़ें खाने का शौक़ होता है, या एक अंदर से ग्रेविंग होती है, इच्छा होती है, तो खाते हैं, तो पेट ख़राब होना एक जाहिर सी बात है। तो पेट ख़राब होना मतलब कि डायरिया होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। हालांकि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन एट अ टाइम प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या नहीं देना, नॉर्फ्लॉक्सिट्रिजाइड नहीं दे सकते। यहाँ पर मैं किसी ब्रांड नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्फ्लॉक्सिट्रिजाइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फेमस है थोड़ा सा, ठीक है। तो नॉर्फ्लॉक्सेसिन प्लस कॉम्बिनेशन में क्या आता है, टिनेडोसोल, तो ये बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर नॉर्फ्लॉक्सेसिन है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा होता है पेट में, ठीक है ना, प्लेसेंटल बैरियर्स होते हैं कुछ, ठीक है ना, माँ और बच्चे के बीच में कुछ प्लेसेंटल बैरियर्स होते हैं जो कि बच्चे को सेफ रखते हैं कि कोई भी टॉक्सिक ड्रग या कोई भी चीज़ हो, केमिकल हो, कोई पैथोजन हो, वो वहाँ तक ना पहुँचे। तो जो नॉर्फ्लॉक्सेसिन है ये पहुँच जाता है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी फालतू की दवाइयां नहीं देना प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, लोप्रामाइड नहीं दे सकते, ठीक है, और ये सब नहीं देना। क्या देना है, पहली चीज़ आती है एंटी एमेबिक ड्रग, जो कि क्या है, मेट्रो ऑर्नेडाजोल। सबसे बेस्ट है मेट्रो ऑर्नेडाजोल, 400 मिलीग्राम का टैबलेट आता है मार्केट में, मेट्रोजेल, फ्लैजिल, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, तो वो आप दे सकते हैं महिला को। मेट्रोजेल का 400 मिलीग्राम का टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, खाने के बाद दे सकते हैं, 3 दिन तक दे सकते हैं। 3 दिन तो दूर की बात है, 2 दिन में आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मेट्रो ऑर्नेडाजोल। दूसरा है आप पे भाई, देखो मेट्रो नहीं मिलता तो ऑर्नेडाजोल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्नेडाजोल भी दिया जा सकता है। ORS देना, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन की वजह से ही जो है डायरिया हुआ है, तो ORS दे सकते हैं, ठीक है। ORS नॉर्मल शक्कर पानी, शक्कर और नमक का घोल है, अगर आपको ORS नहीं मिलता तो वो भी आप घोल के दे सकते हैं। इकोनॉर्म का सैचेट आता है, ठीक है, इकोनॉर्म, ये क्या होता है, एक प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो इकोनॉर्म थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, ज़रा सा, तो वो दिया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आप जो महिला है उसके जो पेट है उसका डाइजेस्टिव जो फ्लोरा है वो बिगड़ जाता है, ठीक है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता pH, तो उसको ये मेंटेन करेगा तो डायरिया जल्दी ठीक होगा, जल्दी मेंटेन होगा। IV फ्लूड्स को अगर चढ़ाना पड़ रहा है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, जीभ निकलवा कर देखो महिला की, सूखी पड़ी है जीभ, तो फिर वहाँ पे IV फ्लूड्स चढ़ाए जाएंगे, RL चढ़ाया जा सकता है और NS चढ़ाया जा सकता है, तो इससे पानी की कमी दूर हो जाएगी, ORS से, इकोनॉर्म का पाउच से और ये IV इन्फ्यूज़न से। साथ में अगर ऐसा लग रहा है कि भाई, कई लोग पूछेंगे बाद में कि आपने पूरा ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो बुखार है तो आप वहाँ पर पैरासीटामोल को 500 मिलीग्राम का टैबलेट दे सकते हैं, 10-5 मिनट रुक कर सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। एसिडिटी है, खट्टी डकार आ रही है, तो AC लोग दे दो, सुबह सुबह खाली पेट AC लोग दे दो, सेफ है, ठीक है। तो यही इसका ट्रीटमेंट होता है, कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ड्रग काम आएगा, मेट्रो ऑर्नेडाजोल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे ज्ञानी अर्धा मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।